कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्री द्वारा पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में शुक्रवार की परेड के दौरान सलामी के उपरांत परेड का निरीक्षण कर उपस्थित सभी पुलिस कर्मियों को पुलिस विभाग में ड्यूटी के दौरान ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और जनता के प्रति सद्व्यवहार बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने परेड के दौरान आधुनिक हथियारों के संचालन अथवा रखरखाव के बारे में भी जानकारी दी। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर परेड में उपस्थित सभी पुलिस कर्मियों को जनपद में प्रयोग में लाए जा रहे आधुनिक हथियारों के संचालन अथवा रखरखाव के बारे में जानकारी दी गई। परेड के उपरांत पुलिस लाइन स्थित परिवहन शाखा, क्वार्टर गार्ड, भोजनालय आदि का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कुछ जगह खामियां मिलने पर प्रतिसार निरीक्षक को उनके शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश किया गया। साथ ही भोजनालय आदि में बेहतर साफ सफाई मिलने पर संबंधित कर्मियों की सराहना की गई। मौके पर प्रतिसार निरीक्षक व अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को बेहतर टर्न आउट रखने, साफ सुथरी वर्दी धारण करने व ईमानदारी से ड्यूटी करने हेतु निर्देश दिए। कासगंज से सचिन दुबे की रिपोर्ट, पी न्यूज।